हेलो गाइस, दोस्तों क्या हाल है आप लोगों का। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हो टेक्निकल दीपक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं ऑनर प्ले के बारे में। आप सभी को पता होगा ऑनर प्ले यहां पर लॉन्च कर दिया गया है, जिसका प्राइस 19,999 रुपीज़ रखा गया है। और इसकी पहली यहाँ पर लगने वाली है 22 अगस्त को। और दोस्तों जो सेल है ये दोपहर के 12 बजे ही लगने वाली है। तो दोस्तों आज हम ऑनर प्ले के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे दोस्तों आप इसे कैसे ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों इसकी जो पहली सेल है अमेज़ॉन पे लगेगी। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा अमेज़ॉन पर जो सेल लगती है उसमें क्या होता है कि स्मार्टफोन को सेल में डाल दिया जाता है और वहाँ पर आपको फ़ोन को ऑर्डर करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेल है उसमें फ़ोन को आप ऐसे ही ऑर्डर नहीं कर सकते, वो कुछ ही सेकेंड में आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर इतनी लंबी नहीं होने वाली। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर मैं काफ़ी छोटी ही बनाऊंगा। आपसे थोड़ी सी उम्मीद है मेरी, वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लगे तो दोस्तों इसे लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जनाब एक बार इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों ऑनर प्ले स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस की वीडियो बनाई है, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। दोस्तों इस चैनल पर आपको अर्निंग वीडियोस, फ्लैश सेल वीडियोस और रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आप इस फ़ोन को आसानी से कैसे ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा यहाँ पर फ़ोन ऑर्डर करना कोई हंसी का खेल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसे ऑर्डर करने के लिए चाहिए एक अच्छी इंटरनेट स्पीड। तो दोस्तों आपको अच्छी इंटरनेट स्पीड कहाँ से मिलेगी, अगर आपके पास जियो की सिम है तो दोस्तों आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लकी हो, क्योंकि जियो की सिम से यहाँ पर स्मार्टफोन जल्दी ही ऑर्डर हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो यहाँ पर कम बिजी चलता है और अपने नेटवर्क को छोड़ता नहीं। अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा सिम यूज कर रहे हो, वोडाफोन या आइडिया, तो दोस्तों आप यहाँ पर कहीं ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पर आपके नेटवर्क अच्छे आते हों। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एयरटेल के लिए भी सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप एयरटेल यूज करते हो तो दोस्तों एयरटेल भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। पर दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है। अगर आप कोई भी सिम यूज कर रहे हो, वोडाफोन आइडिया, तो दोस्तों आप उस सॉल्यूशन को लगाकर इस फ़ोन को कहीं भी आपको नेटवर्क एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी इसे ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों सॉल्यूशन क्या है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हो ये है अमेज़ॉन ऐप। अमेज़ॉन ऐप पर आपको आ जाना है और आपको वहाँ पर देखना है ऑनर प्ले। तो दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा इसका जो पहली सेल है अमेज़ॉन पर ही लगे, तो दोस्तों आपको वहाँ पर चेक करते रहना है। यहाँ पर मुझे तो लगता है अमेज़ॉन पर ही लगेगी, अगर फ्लिपकार्ट पर भी लगे तो दोस्तों आप फ्लिपकार्ट पर चले जाएं। तो दोस्तों किसी पर भी लगे, आपको जाने के बाद करना क्या है, अमेज़ॉन पर अपना यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेना। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको वहाँ पर जाना है, 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दोस्तों मैं यहाँ पर लॉगिन नहीं हुआ हूँ, यहाँ पर आपको योर अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा। मैं कुछ प्राइवेसी के लिए यहाँ पर आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा और यहाँ पर आपको दिखेगा आपका एड्रेस। आपको पहले ही एड्रेस डाल देना और जीमेल आईडी पहले ही डाल देनी है। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको आगे कठिनाई नहीं आएगी। अगर आप ये फ़ोन ऑर्डर करते हो दोस्तों आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वक्त बच सकता है। तो दोस्तों अब चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अमेज़ॉन की ऐप है, आपको यहाँ से इसे मिनिमाइज़ कर देना है। आपको इसी तरह अपना अकाउंट लॉगिन करके जैसे ही आप मिनिमाइज़ करोगे आपको प्ले स्टोर में जाना है। और प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों चलिए मैं प्ले स्टोर में चलता हूँ आपको लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर प्ले स्टोर में हम आ गए हैं। यहाँ पर देखिए हम सर्च करते हैं यहाँ पर कीवी ब्राउज़र। अब दोस्तों ये कीवी ब्राउज़र है क्या दोस्तों, इसी के लिए मैं आपको बताने जा रहा था। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा ऑनर प्ले के लिए ही काम करेगा कीवी ब्राउज़र, दोस्तों ये ब्राउज़र सभी फ़ोन्स के लिए काम करेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कीवी ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कीवी ब्राउज़र ओपन कर लिया है। दोस्तों हम यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं जो कीवी ब्राउज़र है, यहाँ पर डायरेक्ट ये अमेज़ॉन पर ले आया है। पर दोस्तों ये मैंने यहाँ पर अमेज़ॉन सेलेक्ट कर रखा है, आपको ये डायरेक्ट कुछ ऐसा दिखाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर जिस पर भी आपकी सेल हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, जो भी हो, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना। तो दोस्तों चलिए मैं अमेज़ॉन को ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको कीवी ब्राउज़र की यहाँ पर
आपको इसकी कुछ विशेषताएं बता देता हूँ दोस्तों। कीवी ब्राउज़र होता क्या है, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट स्पीड कम है तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली आपके इंटरनेट स्पीड बढ़ा देता है। कभी कभी क्या होता है, अगर आप यहाँ पर स्मार्टफोन ऑर्डर करते हो तो दोस्तों आपके इंटरनेट स्पीड बिल्कुल ही यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, तो दोस्तों आप उस फ़ोन को ऑर्डर नहीं कर पाते। और दोस्तों कभी कभी क्या इशू आता है कि आप स्मार्टफोन की इंटरनेट स्पीड तो पूरी कर लेते हो पर दोस्तों क्या है कि यहाँ पर आपका सर्वर डाउन चला जाता है, तो दोस्तों ऐसा भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर 11:50 या 11:55 होते हैं तो दोस्तों आपको ऐसे इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते रहना है, या तो आप इसे नीचे की तरफ ऐसे करके रिफ्रेश कर लें, या आप 3 लाइन पर क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट ही रिफ्रेश कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसा करने के बाद जैसे दोस्तों ये है Redmi Y2, अब ये आप इसे समझिए ऑनर प्ले, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिख जाएगा 12 बजते ही। आपको दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, बाय नाउ और ऐड टू कार्ट, तो दोस्तों आपको ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, एक बार नहीं आपको बार बार ऐड टू कार्ट पर क्लिक करते रहना है। तो दोस्तों आपको जैसे ही आप करोगे तो दोस्तों ये आपके जो प्रोडक्ट है उसे कार्ट में पहुँचा देगा। दोस्तों ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, इस ब्राउज़र से निकल के, कीवी ब्राउज़र से निकल के डायरेक्ट आपको ओरिजिनल की जो अमेज़ॉन ऐप है वहाँ पर पहुँच जाना है। ऐसा करने के बाद दोस्तों ये देखिए खुल नहीं रहा, मैं इसे खोल रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही आप अमेज़ॉन ऐप यहाँ पर ओपन करते हो, ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, तो दोस्तों आपको आपके कार्ट में दिख जाएगा ऑनर प्ले। दोस्तों अगर इसकी सेल आती है तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा बिल्कुल प्रूफ, मैंने कि देखिए ये यहाँ पर ऑनर प्ले मैंने ऑर्डर कर दिया है। और दोस्तों ऑर्डर करने के लिए कुछ नहीं है, आपको सिंपल सी इसी ट्रिक को अपनाना है। ऐसे जैसे ही आपका कार्ट में आ जाए तो आप अपना जो एड्रेस आपने यहाँ पर पहले ही सेव किया हुआ है उस पर क्लिक कर दें। अगर आप अपने कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो दोस्तों आप कार्ड से पेमेंट कर दें और आगे की तरफ चलते जाएँ और कैप्चा फिल करके ये फ़ोन अपना बना लें, दोस्तों फ़ोन आपका ऑर्डर हो जाएगा। ये जो ट्रिक है काफ़ी अच्छी ट्रिक है, इस एप्लीकेशन के आप यहाँ पर डाउनलोड भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे यहाँ पर डाउनलोड इस एप्लीकेशन के दिए हुए हैं। दोस्तों ये देखिए ये एप्लीकेशन है, नई एप्लीकेशन है, अभी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, आप इसे एक बार यूज करिए, क्या पता आपका फ़ोन ऑर्डर हो ही जाए। और दोस्तों आप इसके बारे में यूट्यूब पर और सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल से यहाँ पर विश्वास नहीं होता तो दोस्तों आप यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर जाके जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों मैं तो यही बोलना चाहूँगा, आप यहाँ पर इसी ट्रिक को अपनाइए और आप यहाँ पर कोई भी स्मार्टफोन ऑर्डर कर लीजिए। मैं नहीं बोल रहा आपको केवल यहाँ पर ऑनर प्ले ही यहाँ पर आपको ऑर्डर करना है, आप कोई भी स्मार्टफोन ले लीजिए, Redmi Y2 हो या कोई भी Redmi 5A हो, और जो भी यहाँ पर स्मार्टफोन फ्लैश सेल में लगता है और कोई भी प्रोडक्ट हो आप वहाँ पर इसे लगा सकते हो। तो दोस्तों मेरी आपसे थोड़ी सी उम्मीद है, मुझे पता है ये चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हो तो दोस्तों उस वीडियो को शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके और आपकी तरह भी वो भी नए नए फ़ोन ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिलते रहेंगे दोस्तों ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते रहेंगे, जय हिंद जय भारत।